भाजपा वालों की सत्ता की ठसक कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब तो हाल यह है कि आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पर भी धावा बोल रहे हैं। बरेली में भाजपा वालों ने कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई। आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने में घुसकर खूब बवाल काटा, यहां तक कि तोड़फोड़ भी की। क्या आप बीजेपी कार्यालय से थाने चलेंगे? थाने में पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करते, गाली गलौज करते लोग सड़क छाप गुंडे नहीं, सत्ताधारी दल के सम्माननीय सदस्य हैं। अब सत्ता है तो इनसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। बीजेपी वाले अब थाने को अपने कार्यालय से चलाने के चक्कर में नजर आते हैं। तभी तो बरेली में एक आरोपी को छुड़ाने जा पहुंचे, वो भी सत्ता की ठसक के साथ। एक शख्स ने तो दरोगा की भाभी के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर विवादित कमेंट किया। उसे छुड़ाने के लिए बीजेपी वाले किला थाने में घुस गए। जब पुलिस ने आरोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया तो हंगामा शुरू किया गया। जब पुलिस ने उनका वीडियो बनाना शुरू किया तो उग्र होकर हाथापाई पर उतर आए, दरवाजों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस कर्मियों को घेर लिया। देर रात तक ये हंगामा चला। दरअसल किला निवासी दरोगा दूसरे जनपद में तैनात है। गुलाबनगर के रहने वाले नितिन पांडे ने दरोगा की भाभी के साथ अपनी फोटो एडिट की और फेसबुक अकाउंट पर टैग कर दिया। दरोगा की तहरीर पर गढ़ी चौकी इंचार्ज मनोज मिश्र आरोपी को पकड़ कर थाने ले आए, मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद भाजपाइयों ने यह हरकत की। भाई आप ये बताइए कि पूरे आप ही लोग चलाते हो, हम लोग आप लोगों के चैनलों पर देखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अराजकता का माहौल है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में सरकार है, देश में भी सरकार है, ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी। थानों में हो, किसी अधिकारी बेचारे को काम नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं इकट्ठे होकर, गुंडागर्दी चल रही पूरी तरह से। वहीं बीजेपी वालों ने पुलिस वालों पर आरोप लगाए और एसएसपी से शिकायत की। बरेली जिले के कप्तान ने कल रात 2 बजे उस चौकी इंचार्ज को लाइन पे भेज दिया, लाइन हाजिर कर दिया है। हमारी सिपाही जो सिपाही भी साथ में थे, क्योंकि चौकी इंचार्ज और दोनों सिपाही नशे में थे, हमारी ये मांग है कि उनको लाइन पे न भेजकर तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन हो, यही हमारी मांग रहेगी। आज हम इसको लेकर कप्तान से मिलने भी जाएंगे। फिलहाल सत्ताधारी पक्ष से जुड़ा मसला होने की वजह से कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। बरेली के किला थाने में भाजपाइयों ने रात में जमकर तांडव किया और आप देख सकते हैं इस वक्त हम किले थाने में मौजूद हैं। ये कार्यालय है, गोपनीय कार्यालय है, जहां पर जीडी वगैरह का कार्य होता है और यहां पर आकर भाजपाइयों ने जमकर उत्पात मचाया और ये जो देख सकते हैं आप, ये जो केबिन है इसका शीशा तोड़ दिया, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की, बसलूकी की, हाथापाई पे उतारू हो गए। दरअसल जो भाजपाई थे वो एक आरोपी की पैरवी करने यहां आए थे, उस आरोपी ने एक पुलिसकर्मी के जो लेडीज हैं उनकी फेसबुक पर कुछ अश्लील फोटो, आपत्तिजनक फोटो वो उस पर वायरल कर दी थी, जिसके बाद उस आरोपी को पुलिसकर्मी यहां पर हिरासत में लेकर आए थे। इसी दौरान तमाम भाजपाई यहां पर आ गए और उन्होंने उस आरोपी को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया तो भाजपाई उग्र हो गए और उन्होंने पुलिसकर्मियों के संग में धक्का मुक्की की, हाथापाई की और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने थाने में तोड़फोड़ तक कर डाली। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनुप कुमार मिश्रा, बरेली समाचार प्लस।